चाहे मस्जिद बनाया हो, केवल ऊपर के ढांचे में चेंज किया है, नीचे का ढांचा आज भी बौद्ध स्तूप के तौर पर मौजूद है। ज्ञानव्यापी मस्जिद यह ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, बल्कि यह आनंदवन है। और 11वीं शताब्दी में गोविंद चंद्र गढ़वाल राजा हुआ था, जो क्षत्रिय बौद्ध राजा था, और उसी के खानदान में जयचंद्र राजा हुआ था, जो कन्नौज का महान राजा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और बुद्धिज्म को बचाने का प्रयास किया। गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर भट्ट, और लक्ष्मीधर भट्ट ने एक संस्कृत निबंध लिखा हुआ है, उसके निबंध में भी उस मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि 12वीं शताब्दी तक वहां कोई मंदिर होने का सबूत नहीं मिलता। बल्कि और एक संस्कृत काव्य मिला है, एक ब्राह्मण ने लिखा हुआ है कि जो मंदिर है वहां वेश्याओं की बस्ती उसने खोली थी। ये जो ब्राह्मण आज डंका पीट रहे, ब्राह्मणवाद का डंका पीट रहे हैं, उन्होंने संस्कृत काव्य में लिख कर रखा, उस ब्राह्मण का नाम उपलब्ध है, वो काव्य भी उपलब्ध है, कि अगर बनारस के मंदिर में अगर जाना है तो वेश्याओं को मिलकर जाना पड़ता था, और बाद में उसने हिजड़े और वेश्याओं को उस मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो जो दुराचारी लोग थे, जो नीतिमत्ता को न मानने वाले लोग थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी के बाद उसके ऊपर कब्जा किया। साथियों, मथुरा में वो जो बनारस सिटी है, बनारस सिटी के अंदर ही आप थोड़े दूर अंतर पर, 1.5-2 किलोमीटर अंतर पर और एक मस्जिद है, और वो भी विवादित है। चर्चा ब्राह्मण लोग केवल ज्ञानव्यापी मस्जिद की कर रहे, वहां दो चीजें विवादित है। दूसरा जो विवादित मस्जिद है, उसको ब्राह्मण, उसको मुस्लिम लोग कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद, वहां भी एक कुआ है, वो मस्जिद के बीचों बीच कुआ है, और कुएं को लगकर ब्राह्मण लोग कहते हैं ये क्या है, तो ये लाट भैरव है। अब बनारस में जाओ तो आपको लाट भैरव का दर्शन किए बगैर काशी का दर्शन नहीं होता। तो वहां लाट भैरव जो है, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लाट भैरव, मैं जब उसके सामने खड़ा हुआ तो 2-3 लोग ऐसा हाथ पकड़कर, इतना बड़ा उसका घेराव था और मेरे से 2 गुना वो ऊंचा था। तो लाट भैरव क्या है? सम्राट अशोक का स्तंभ है। आज उसी वाराणसी में बस 2 किलोमीटर अंतर पर और दूसरी विवादित जगह है, वहां भी पुलिस की छावनी रात दिन बैठी होती है। वहां आधा हिस्सा मस्जिद का है और बीच वाला हिस्सा वो लाट भैरव का है। वो लाट भैरव क्या है? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने प्रमाणित किया, ये जो स्तंभ है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है। डिबेट किस बात का है? अगर एएसआई खुद मान्य कर रही है कि ये अशोक स्तंभ है, तो अगर उत्खनन करना है, अगर कोई आदेश देना है न्यायपालिका को, तो पुराने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है? और न्यायपालिका के द्वारा ये मीडिया में जो खबरें आ रही है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, इसके लिए शिवलिंग का कार्बन डेटिंग करेंगे, जो काल्पनिक बात है उसका कार्बन डेटिंग कहां से होगा? जो काल्पनिक बात है उसका कार्बन डेटिंग कहां से होगा? इसका अर्थ यह है, काल्पनिक राम को ब्राह्मणों ने सन 2019 में हिस्टोरिकल राम घोषित किया, वहीच पैदा हुए, मस्जिद के बीचों बीच पैदा हुए। पैदा होने का मतलब है हिस्टोरिकल राम। पैदा हुए, उनके पास कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को मस्जिद के अंदर पैदा करके दिखाया, यही उनका हौसला बढ़ने की वजह है। अब वो शिव को हिस्टोरिकल बताना चाहते, अब वो कृष्ण को हिस्टोरिकल बताना चाहते, शिव और कृष्ण कैरेक्टर कहाँ से पैदा हुए? तो दूसरी शताब्दी का जो कनिष्क राजा है उसका कॉइन है, उसके एक कॉइन के हिस्से में बुद्ध खड़ा है, गोल्डन कॉइन है, तो उसने लिखा है बोडो।
उसकी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा बोडो, बुद्ध का लिखा शब्द है बोडो। उसकी दूसरी साइज में राजा कनिष्क ने अपनी प्रतिमा लगाई है और हाथ में त्रिरत्न लेकर खड़ा है। ब्राह्मण इतिहासकार कहते हैं ये शिव है, क्योंकि इसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो शब्द है ये त्रिरत्न के लिए है, और क्वाइन पर राजा कनिष्क के हाथ में, राजा वासुदेव के हाथ में है। तो बुद्धिस्ट लोगों के आर्कोलॉजी को ब्राह्मण इतिहासकारों ने मिस इंटरप्रिट किया गया। शिव शब्द भी बुद्धिस्ट है, शिव ये बोधिसत्व के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, उसकी नकल करके शिव बनाया गया। शिव का पाली भाषा में अर्थ है बुद्ध के दोनों नेत्र के बीच में जहां से वो पैदा हुआ, इसको तृतीय नेत्र बोलते हैं। बुद्ध को तीन नेत्र थे, हम लोगों को दो नेत्र है। बुद्ध का तीसरा नेत्र का पाली भाषा में अर्थ है प्रज्ञा चक्षु, जिसकी प्रज्ञा जागृत होती है वो तीसरा नेत्र वाला होता है। और विवेकानंद की एक शिष्या भारत में आई थी और उसने शिव के ऊपर रिसर्च किया। वो जो उसकी शिष्या थी एक फॉरेन से आई थी, निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने एक बड़े इतिहासकार है हवेल, इनको खत लिखा और खत में लिखा कि भारत के ब्राह्मण जिसको शिव कहते हैं उसने डिजाइन बनाए हाथ से और कहा ये स्तूप है, और भारत की प्रजा अज्ञानी होने के कारण ब्राह्मण लोग इनको शिवलिंग या शिव की पिंड कहकर प्रचार में लाते हैं। यदा कदाचित भविष्य में कोई इनमें से लोग आ जाएंगे तब लोगों को बताएंगे ये शिवलिंग नहीं है, ये क्या है, ये बुद्ध स्तूप है। साथियों, बनारस में बुद्धिस्ट अवशेष है, वहां ब्राह्मणों का होने का कोई सवाल नहीं है। इस किताब में उन केवल ज्ञानव्यापी मस्जिद की ढूंढा नहीं गया, बल्कि सैकड़ों मंदिर और मस्जिदों के अंदर बुद्धिस्ट अवशेष है, ये हमने सप्रमाण सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए टाइटल ये नहीं रखा ज्ञानव्यापी मस्जिद किसकी और कृष्ण जन्मस्थली किसकी, ये टाइटल नहीं रखा, बल्कि बनारस का काशी ये बुद्धिस्ट लोगों का है, ये हमने सप्रमाणित सिद्ध किया है। मथुरा किसकी, 1953 की ही बात है। सर मेजर जनरल कनिंगम उस विवादित स्थान पर गए, तब उसको दरारे आ गई थी, उस मस्जिद को दरारे आ गई थी, और वहां उन्होंने नमाज अदा करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने वहां बारीकी से अध्ययन किया और 1864 में उन्होंने उस रिपोर्ट में प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा मुझे मथुरा के मस्जिद के नीचे टूटे हुए अभिलेख के अवशेष मिले जो गुप्त राजा के थे और उसके ऊपर उनकी वंशावलियां थी, यानी सबूत मिल गए वो बुद्धिस्ट राजा थे। उन्होंने दूसरी बात उस रिपोर्ट में ये बताई कि वहां मुझे इस मंदिर का डिजाइन का नक्शा मिला, तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री किया कि कितना बड़ा होगा ये मंदिर, ये स्तूप कितना बड़ा होगा, और उस स्तूप का नाम है यश विहार, यानी जो आज विवादित जगह है उस जगह का भी नाम उन्होंने कहा यश विहार है। तो उन्होंने कहा जगन्नाथ, जब जगन्नाथ का विहार और सोमनाथ का जो मंदिर है उससे दो गुना बड़ा है मथुरा का विहार। साथियों, 11वीं 10वीं शताब्दी में गजनी के द्वारा, गौरी के द्वारा उसके ऊपर केवल जलाया गया, नष्ट नहीं किया गया। औरंगजेब के द्वारा सन 1669 में उसके ऊपर कब्जा किया गया, मगर उसके नीचे जो मिला तो कनिंगहम को तीन चीजें मिली। नंबर एक, उसका नक्शा मिला, गुप्त राजा का अभिलेख मिला, नंबर तीन बुद्ध की माता महामाया का टहनी को पकड़ा हुआ एक शिल्प मिला और बुद्ध की प्रतिमा मिली। ये सारी चीजें उस समय वहां लाहौर म्यूजियम था, तो लाहौर म्यूजियम में वो शिफ्ट किया हुआ है, और आने वाले समय में मैं लाहौर पाकिस्तान में जाकर उन चीजों की फोटोग्राफ लाने का प्रयास करने वाला हूं, क्योंकि ये लड़ाई हमको आर्कोलॉजिकल तो एविडेंस मिल गए और वहां खोजबीन करने के लिए कोई रुकावट होने का सवाल नहीं है, मगर आज ये चीजें लाहौर म्यूजियम में है
लॉकडाउन का पीरियड था तो मेश्राम साहब ने मुझे खबर बताई तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक राजपूत व्यक्ति है और उसने केंद्र सरकार को डिमांड किया था कि तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र पुरुषपुर में अफगानिस्तान में है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि बुद्ध अगर भारतीय है, बुद्ध के कारण भारत की पहचान है तो भारत सरकार वो भिक्षा पात्र को लाए। मैं भी इस कार्यक्रम के अवसर पर बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बीच बीच में तथागत बुद्ध की बहुत तारीफ करते और इतनी तारीफ करते हैं कि सुनने वालों को लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं बुद्धिस्ट तो बन गए नहीं। नरेंद्र मोदी के गांव जो है वहां भी बुद्ध धर्म के अवशेष है, तो वो जो बुद्ध के अवशेष आज लाहौर म्यूजियम में है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कनिंघम महोदय को उस विवादित स्थान से मिले हुए जो चीजें मिली, मॉन्यूमेंट्स मिले, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत लाए जाए। साथियों, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि मथुरा यह बौद्ध स्थान है, मगर दुख की बात है भारत के लोगों को, खासकर कि मथुरा के लोगों को, वहां लगभग दर्जनों टीले हैं। एक टीले को विनायक टीला नाम दिया, एक टीले को गोवर्धन टीला नाम दिया, एक टीले को फलाना नाम दिया, एक टीले को कंस नाम टीला दिया। कनिंघम महोदय कहते हैं कि मैंने उस विवादित मस्जिद के नीचे बौद्ध अवशेष ढूंढ लिए, मगर उसने रिपोर्ट में लिखा, उसको भी बहुत जल्दबाजी थी, उसी के कारण बुद्ध का इतिहास ढूंढा गया। उसने रिपोर्ट में लिखा, बुद्ध के प्रमुख सात शिष्यों के यहाँ सात बड़े बड़े स्तूप है जिसके ऊपर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी देवताओं के नाम पर आज कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार अगर इसका उत्खनन करेगी तो भारत का वास्तविक इतिहास सामने आएगा। क्या है मथुरा में? सम्राट अशोक मौर्य के गुरु उपगुप्त महाथेरो, उनका स्तूप है मथुरा में। एक स्तूप सम्राट अशोक के गुरु का है, दूसरा स्तूप उनके पुत्र राहुल का है, तीसरा स्तूप भंते आनंद का है, उनके सौतेले भाई आनंद उनका स्तूप है और उनके प्रमुख शिष्यों का वह स्तूप है। साथियों, आज मथुरा वासी लोगों को ये जो कहानियां प्रचार में लाकर सारी केवल उस मस्जिद के ऊपर कब्जा नहीं किया, आज की खबर है सुप्रीम हाईकोर्ट ने जितने भी मुकदमे वो अपने हवाले ले लिए और हाईकोर्ट ने ऐलान किया कि कृष्ण जन्मभूमि का फैसला हम देंगे। आज मुझे पता चला कि कितनी विवाद की जगह है, 16.5 एकड़ जमीन के ऊपर सुनवाई कर रही है कोर्ट और ये आधार पर कह रही है कि वो जन्मस्थल है। इसका मतलब ये है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लिया है। हम इतिहास को देख रहे हैं और हम निरपेक्ष भाव से लिख रहे हैं, हमारे पास सबूत है, मगर उनके पास क्या है? खरीदे गए जज है। उनके पास क्या है? ESI के द्वारा जो चुने गए ब्राह्मण लोग है उनके हाथ में है। इसलिए मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मेश्राम साहब ने जो भारत बंद का ऐलान किया है और बनारस पर मोर्चा लेकर जाने का, कलेक्ट्रेट पर जो मोर्चा लेकर जाने का जो मामला है, ये मामला भारत को बचाने का मामला है। यही हमारा इतिहास है जो ब्राह्मण लोग कब्जा करना चाहते हैं। जैसा चुनाव आयोग के द्वारा EVM घोटाला किया जा रहा है, उसी तरह ESI के द्वारा भी काल्पनिक बातों को इतिहास माना जा रहा है। मैंने एक चैप्टर लिखा है कि महाभारत ये बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है, सारे एविडेंस दिए हैं। महाभारत का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कृष्ण का जो काल्पनिक जीवन है, काल्पनिक जीवन का काल्पनिक कृष्ण केवल मात्र एक दिन मथुरा में गया था और उसके बाद वहां से वो भाग गया था। इसीलिए महाभारतकार ब्राह्मणों ने लिखा कृष्ण रण छोड़ दास है, कृष्ण का एक नाम है रण छोड़कर भागने वाला। ये मालूम है हमको कि भाई भाइयों में लड़ाई लड़ाने वाला, मगर कृष्ण का एक नाम है रण छोड़कर भागने वाला। तो अभी बड़ी खुशी की बात है, हमारे लोगों को मालूम नहीं मगर BJP के लोगों को मालूम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, गूगल में आप जाओ तो
तो उनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, तो उनके पास कुछ बहुमूल्य किताबें उन्होंने वहां अपलोड करके रखी है, चाहे वो आरएसएस वालों के पास होगी वहां अपलोड करके रखी है, तो उसके ऊपर एक किताब अपलोड करके रखी है महाभारत का अंग्रेजी ट्रांसलेशन वॉल्यूम नंबर 77, केवल 7 भाग तक आया होगा, इसीलिए एक खंड को उन्होंने अपलोड करके रखा। शायद बीजेपी वालों को इस बात की खुशी होगी कि देखो अमेरिका वाले महाभारत का अनुवाद कर रहे हैं, और जिसने अनुवाद किया वो 8 लोग है, और उसका चीफ एडिटर का नाम है फिट्ज़गेराल्ड महोदय का दुनिया के ऊपर एहसान हो गया। उन्होंने 2011 तक 11 वॉल्यूम में महाभारत का अनुवाद किया। अब महाभारत का ऑथेंटिक अनुवाद फिट्ज़गेराल्ड की अमेरिका के टीम ने किया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब ब्राह्मण तर्क के आधार पर हार जाते हैं तब वो बोलते हैं कि आप ब्रिटिशों का हवाला दे रहे हो, मगर बीजेपी के लोगों ने फिट्ज़गेराल्ड का वॉल्यूम नंबर 7 अपनी डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करके रखा है, और 11वें वॉल्यूम में फिट्ज़गेराल्ड ने लिखा कि महाभारत ये प्रतिक्रांति के बाद लिखा हुआ ग्रंथ है। जरासंध जो कैरेक्टर है महाभारत का, कृष्ण के साथ लड़ाई का जो कैरेक्टर है फिट्ज़गेराल्ड, एक जर्मन लेडी है बिराड्यू, और एक दूसरे हिल्डबिटल एक बड़े संशोधक है, इन्होंने महाभारत की हर प्रतीक और हर शब्दावली में गए। तो जरासंध कौन है? अशोक को ब्राह्मणों ने जरासंध दिखाया। ब्राह्मण लोगों ने डायरेक्ट बुद्धिस्टों के खिलाफ महाभारत नहीं लिखा। अगर महाभारत लिखा होता तो उस समय बुद्धिस्ट प्रजा जिंदा थी, हो सकता है ब्राह्मणों का मॉब लिंचिंग होता। तो बुद्धिस्ट प्रजा को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों ने इशारे में लिखा है, और जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, ये सारे के सारे कैरेक्टर महाभारत के जितने भी कैरेक्टर है, ये जो उनकी पांच पतियों की जो पत्नी है ये तारा देवी है, यानी डिकोड कर दिया। तारा देवी और पंच बुद्ध या पांच बोधिसत्व, ये आर्कोलॉजी में एविडेंसेस है। तो ब्राह्मणों ने पंच बोधिसत्व या पांच बुद्धों के साथ जो प्रज्ञा देवी दिखाई जाती है, इसको काउंटर करने के लिए वो पांच पांडव की पत्नी दिखाया। धर्मराज कौन है? बुद्ध का नाम एक धर्मराज है, अशोक का एक विशेषण धर्मराज है। धर्मराज बुद्ध था, धम्म राजा बुद्ध था। बुद्ध का पाली में नाम है धम्म राजा, अशोक का पाली में नाम है धम्म राजा। जो पांच पांडव हुए, एक पांडव को उन्होंने धर्म राजा बताया। इस तरीके से महाभारत के माध्यम से, या तक कि गीता के माध्यम से, बौद्ध तत्व ज्ञान को काउंटर किया है, और महाभारत के कारण ही क्षत्रियों को नाजायज घोषित किया गया है। परशुराम के द्वारा क्षत्रियों को नाजायज घोषित किया है, रामायण के द्वारा क्षत्रिय राम को नाजायज घोषित किया है। साथियों, क्षत्रियों के खिलाफ भी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, क्योंकि वो नाग बुद्धिस्ट थे। मैं अंत में यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अगर काशी भी बुद्धिस्ट का है, बनारस भी बुद्धिस्ट का है, मथुरा भी बुद्धिस्ट का है, अयोध्या भी बुद्धिस्ट का है, मेरा सवाल है ब्राह्मणों को, अगर आप इस पर कब्जा करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिबेट में उतरना होगा, हमको पहले हराना होगा। मगर मेरा चुनौती है ब्राह्मणों को कि बुद्ध के पहले और सम्राट अशोक के पहले आपका एक सिंगल कहीं मंदिर हो, इसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस बता दो। ब्राह्मणों का बुद्ध के पहले और सम्राट अशोक के पहले एक भी मंदिर नहीं है, एक भी प्रतिमा नहीं है। ब्राह्मणों के ऋग्वेद में तो प्रतिमा बनाने वाले पनी लोगों को, नाग लोगों को गालियां दी है। प्रतिमा बनाने का सभ्यता पूर्ण लोगों ने काम किया, इसलिए मेरा दावा है कि ब्राह्मणों का भारत में कुछ नहीं है, मिट्टी के ऊपर भी कुछ नहीं है और मिट्टी के अंदर भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का या कुछ भी नहीं। आज जो राम मंदिर बन रहा है ये किसकी नकल है? अभी एक शोध संशोधन हमने इसमें प्रस्तुत किया, भारत में जितने प्रसिद्ध मंदिर है ये सारे के सारे स्तूप संरचना की नकल है। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो उसके अंदर एक गर्भगृह होता है, हर ब्राह्मणों के मंदिर के अंदर गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा पथ होती है।
बुद्धिस्ट लोग हर स्तूपा को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं और ब्राह्मण लोग मंदिर में क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। भारत का जो धर्म है वो केवल हिंदू धर्म के नाम पर छुपा हुआ है। ब्राह्मणों ने प्रतीकों को चुराया, स्तूपों को चुराया, यहाँ तक कि राम मंदिर ये स्तूप संरचना की नकल करके खड़ा किया जा रहा है। इसलिए ब्राह्मणवाद को नंगा करना जरूरी है। आज ये किताब प्रकाशित हो गया है, इसके एक एक मुद्दे पर आकर मैं लाइव चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय मूल्यवान।